गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम सुबह सुबह निकले हैं आज साओ पॉलो से रियो के लिए। एंड हमें जेन्युइनली नहीं पता है कि हमें कैसे जाना है, क्या जाना है। हमने एयरलाइन टिकट्स देखी थी, बट एयरलाइन की टिकट्स हमें बता रही थी टू एंड फ्रो का 1.5 लाख रुपए। एंड हम लोग बोले 1.5 लाख रुपए इज टू मच, मतलब हमें घूमना भी है बट हमें इतना भी खर्चा नहीं करना है, मतलब बहुत होना चाहिए। डेफिनेटली 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, बट देन एयरपोर्ट जाके 1 घंटा पहले रुकना, सब मिला के भी 2-3 घंटा मिनिमम जाता ही जाता है। तो हमने सोचा उससे अच्छा हम रोड ट्रिप करते हैं और हम जाते जाते पता चलेगा कि कैसा है ब्राज़ील। एंड मेरी हालत थोड़ी सी डाउन है, मतलब क्योंकि हम बहुत थक गए। टुडू में बहुत मज़ा आया, मैं लास्ट ब्लॉग को एंड करने ही भूल गई थी, तो इतना थक गए थे बट अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अभी हमने थोड़ा रिसर्च करके पता किया है कि यहाँ पे बसेस बहुत अच्छी होती है, स्लीपर बसेस होती है जो रियो जाती है। तो हम लोग अभी टर्मिनल पे जा रहे हैं जो बस टर्मिनल है, एंड वहाँ से हमें टिकट्स लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिलती है। यहाँ पे थोड़ा अलग अलग रूल है, तो होप करो कि हमें हमारा सफ़र स्मूथ और सेफ जाए, मतलब बस वही मेन चीज़ है। होटल्स एंड ऑल सब बुक्ड है, बस ट्रैवलिंग का ही इतने दिन से हमने ट्राई किया कुछ अच्छा। गाड़ी भी देखा, गाड़ी इट वाज शोइंग 40,000 रुपीज़ वन वे, एंड बसेस आर 10,000 पर पर्सन रिक्लाइनर्स। तो आई थॉट कि वो ज़्यादा अच्छा भी है, एंड सब साथ में भी रह गए लोग, पता नहीं इफ इट मेक्स सेंस, बट दैट वॉज द बेस्ट ऑप्शन एंड इट साउंड्स फन। सो लेट्स सी, आर यू एक्साइटेड? इसकी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा डाउन है बेचारा, देखो कैसा है। खांसी ठीक है? हाँ खांसी ठीक है, स्ट्रेप्सिल्स ले लेना चाहिए क्योंकि वो मुँह में रहता है ना तो नहीं होती खांसी। साओ पॉलो इज़ ब्यूटिफुल, बहुत मज़ा आया हमें। बस एक ही दिक्कत है, लाइट 4 बजे, अरे देखो लाइट चली जाती है, जस्ट किडिंग, मतलब 4 बजे अंधेरा होता है। रुको अभी मैं आपको लाइट के साथ मिलती हूँ। यहाँ का बस टर्मिनल, मतलब मेरा लगेज, हमने एक एक लगेज ही लिया है, बाकी लगेज हमने होटल पर ही छोड़ दिया। तो मैं एक्चुअली जेन्यूनली नहीं पता है, मैं भी टिकट्स खरीदनी है, सब करना है, और मैं तो जानबूझ कर ऐसे बन के आई हूँ सो दैट लोगों को लगे मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। वो मत दिखा देना बस। क्या टी-शर्ट पे जो लिखा हुआ है? अच्छा ये बोल रहा है कि डीजल की टी-शर्ट बोल देता नहीं समझेगा शायद। तो ये यहाँ का टर्मिनल है, और मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगी वरना चोरों को पता चल जाएगा कि ये लोग न्यू है। हाँ ये बस का टर्मिनल है, नाइस नो? हाँ मुझे भी ट्रेन का लग रहा था, जब भी मैं सर्च कर रही थी रियो जाने का रास्ता मुझे यहीं पे लेकर आ रहे थे, बट इट्स गुड राइट, मतलब अच्छी है, क्लीन है, अच्छा है। हाँ तो वही बता रही हूँ, मैं जानबूझ कर रेडी होके नहीं आई क्योंकि हमें बहुत लोगों ने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, ज़्यादा शो ऑफ या ब्रांड्स या कुछ दिखाने नहीं चाहिए। मैं इसलिए एकदम सिंपल बन के आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा बता रही हूँ मैं, लग रहा है ना ऐसा मुझे देख के, सिंपल एज इन, मतलब ज़्यादा ग्लैम टाइप कुछ रेडी नहीं हुई हूँ जानबूझ का, नज़र में नहीं आने का इस। और मैं ब्लॉग कर रही हूँ ना तो मेरे को डर है मेरे हाथ से कोई फ़ोन खींच के ना ले जाए, बिकॉज हाथ ऐसा दूर होता है ना। बहुत ज़्यादा गूगल ट्रांसलेट यूज़ करने के बाद पता चला है कि आगे से लेफ्ट लोगे तो रियो की बस का कियोस्क है 1001। हाँ दिख गया। लेट्स गो गाइस, वी आर गेटिंग बेटर एट दिस। और हाँ यहाँ पे विंटर चल रहा है इसीलिए जैकेट्स एंड ऑल पहना है, यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है। ये सब जो कंट्रीज है ना गाइज, यहाँ पे विंटर में बारिश होती है, इनका मानसून सीजन नहीं होता जैसा हमारे इंडिया में, कैसा मॉनसून अलग होता है और विंटर्स अलग होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे विंटर्स में ही बारिश होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
जब भी मैं गई हूँ लंदन गई हूँ, जहाँ पे भी गई हूँ, विंटर होता है तो बारिश होती है, यहाँ पे भी विंटर है तो बारिश हो रही है और मेरी हालत खराब हो रही है। पहुँच गए फाइनली हम, ये कियोस्क है, यहाँ से हमें टिकट्स मिलेगी 9:45 की एक बस है शायद, तो लेट्स गो। तो ये कियोस्क है, आई होप इनको इंग्लिश आती हो बिकॉज बहुत मुश्किल होगा। सो गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर करके टिकट्स तो ले लिया है। सेमी रिक्लाइनर मिली हमें क्योंकि जो स्लीपर थी वो फुल थी। हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसी होने वाली है, हम लोग कंफर्टेबल होने वाले हैं कि नहीं है, बट हम एडजस्ट करके चले जाएंगे, कोई और ऑप्शन है नहीं। हमारे बाल क्या ही फनी लग रहे हैं, मतलब वो बस है हमारी और इन्होंने यहाँ पे लगेज हमारा डाला है। मैंने मेरा मेकअप और जो ज्वेलरी है वो मेरे साथ ही रखा है, बाकी कपड़े और जूते उसमें हैं, उसमें बाकी भी चीज़ें हैं, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था तो मैंने सब एक्सपेंसिव चीज़ें इसमें रख दिया है। वहाँ पे हमें पता चला है कि वहाँ पे कुछ VIP बस करके भी है, हमें इस पता करने गया है कि वो क्या है VIP का चीज़। पासपोर्ट सब चेक होता है अंदर जाने से पहले, उसमें बैठ चुके हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लाइन होता है जैसा अभी रिक्लाइंड बैठा है, और पैरों के लिए यहाँ पे बहुत अलग सीन है। देखो इसको ऐसा करोगे तो ये पूरा आपको पैर रखने के लिए अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। सेमी रिक्लाइनर एंड बट वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्पेशियस, मतलब गुड कंफर्टेबल। पता नहीं ये रिक्लाइन होएगा तो नहीं, वो नीचे जाएगा, मतलब अपने पैर पे नहीं लगेगा ना। कितना गैप है यहाँ तक आई है, हाँ ठीक है। तो ये बड़ी सी बहुत बड़ी विंडोज है, मतलब क्लियर व्यू है बाहर का एंड इट्स गुड। हाँ मतलब ट्रेन वाली वाइब आ रही है, इनफैक्ट प्लेन वाली वाइब भी आ रही है। और प्लेन के लिटरली कितना परसेंट, 10% भी नहीं, तुम्हारे कितने रुपए कटे देखो अभी। बाय द वे गाइस, मैंने कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड घुमा दी हूँ, अब इसका डेबिट कार्ड हमें यूज करना पड़ रहा है। 5,000 ही हुआ, दोनों का टिकट है वो। हाँ, 5,000 में दोनों का टिकट है, बस खाली टाइम कंज्यूमिंग है, पर ठीक है। हाँ पर ठीक है ना, हम रोड, बेस्ट चीज ये है कि हमें रोड देख के जाने मिलेंगे ना यहाँ के। ये तो सोने वाला मुझे लग रहा है, पहले तो डायमंड स्लेयर देखूंगा, डायमंड। यस गाइस, डेमन स्लेयर का फाइनल एपिसोड रिलीज हुआ है आज। आई डोंट नो ये ब्लॉग कब आएगा, 70 मिनट का नहीं 54 मिनट्स का है, 70 पता नहीं, बट मैंने अभी डाउनलोड किया तो 54 मिनट्स दिखाएगा। लेट्स सी, मेरा फोन, दूसरा फोन। हाँ तो हम लोग अभी डेमन स्लेयर देखेंगे, मैंने काफ़ी सारे सीरीज भी डाउनलोड किया है मेरे एक्स्ट्रा फोन में, और हम बहुत एक्साइटेड है रियो जाने के लिए। तो प्लीज़ प्रे करो हम सेफली पहुंच जाए इंशाल्लाह। अभी हम सफ़र की दुआ पड़ेगी, उसमें हम एम्बुलेंस सफर इसमें वाईफाई भी है, तो अभी लॉग इन कर रहा है अभी वाईफाई। बाहर रियो कितना कूल लग रहा है, एकदम मज़ा ही आ रही है। डेमन स्लेयर टाइम, अभी हम डेमन स्लेयर देख रहे हैं, कहीं स्टॉप होएगा तो मैं आपको बताती हूँ ब्लॉग करके। तो अभी हमने डेमन स्लेयर का फाइनल एपिसोड देखा और मैं लिटरली चोक्ड थी, मैं रोने वाली थी, ऑलमोस्ट रो दी थी मैं। कैसा लगा तुम्हें? ये तो नींद में ये सो जाएगा अभी, बट अच्छा है, कंफर्टेबल राइड है। अभी यहाँ तो 11 बज रहा है, मतलब एक घंटा हो चुका है, बिकॉज हम डेमन स्लेयर देख रहे थे, हमें पता नहीं चला एक घंटा कब हुआ। अभी आई थिंक थोड़ा सा नैप लूँगी, फिर बाकी का कुछ देखूँगी। इट्स कंफर्टेबल, इट्स गुड। ये सो गया अभी, मेरे आगे वाले अंकल ने फुल रिक्लाइन किया है। टाइम टू डू सम पेट पूजा, हमने थोड़े से स्नैक्स लाए थे लाइक प्रिंगल्स और एक चिप्स का पैकेट है जो हम खा चुके हैं। व्यू देखते देखते फिर से नैप लूँगी, यही चल रहा है गाइस मेरा। यहाँ पे हमारी बस रुकी है एंड ये बहुत ही प्रिटी जगह है, मतलब हम जब लोनावला जब जाते हैं तो कैसे पिट स्टॉप्स होते हैं, तो उसी तरह ये फ्रेश होने के लिए है। ये वॉशरूम है, ये जेंट्स है और ये लेडीज़ है वॉशरूम। यहाँ पे कुछ तो है ऐसे, बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें रखी हैं, यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, है ना। लाइक यहाँ पे अगर किसी को कुछ गिफ्ट्स देना है या कॉफ़ी के लिए कुछ चाहिए, ये कुछ जर्सी टाइप है, काफ़ी सारे चीज़ें, अगर किसी को कुछ गिफ्ट ले जाना है रुक के
या यहाँ की स्पेशलिटी कुछ लेनी है, आई थिंक उसके लिए ब्लैंकेट्स है. आई थिंक इट्स स्पेशली फॉर पीपल हु फील कोल्ड, क्योंकि बसेस बहुत ठंडी होती है यहाँ की. अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो यहाँ की बस लाइन में, मेक श्योर आप एक ब्लैंकेट लेकर चलो या जैकेट या कुछ लेकर चलो. इतनी सारी चीज़ें देख के मेरा ही मन कर रहा है कुछ लेने का. ये कितनी अलग चीज़ है, क्यूट ऐसा फार्म एनिमल्स को फ्रॉक बनाया हुआ है. सो क्यूट. कुछ दिन पहले मैंने पेपर सॉस टेस्ट किया था, वो इतना टेस्टी था. मुझे अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं अभी तक, तो मे बी अगर रियो में मुझे मिलेगा तो मैं वो खरीदूंगी. बहुत टेस्टी सॉस था वो. गाइस देखो, ऐसा खड़ा रहता है, चोर आएगा ऐसा ले लेगा. झूठे पहले वाले में पकड़ी थी. नहीं, चोर इसका फ़ोन पकड़ लेगा, पूरा टाइम फ़ोन में रहता है. इसको बोलो कोई. देखो वो आया ही नहीं, टेक नहीं उसमें. गाइस मैंने पकड़ लिया था उसका फ़ोन. चोर इतना, क्योंकि चोर इतना थोड़ी ऐसा ब्लॉक करते करते लेगा. नहीं, फिर रफल्स है. अगर आपको याद होगा तो रफल लेस पहले साथ में था और इंडिया में मिलता था जब मैं छोटी थी. यस गाइस, मैं बहुत पुरानी हूँ. मैंने अभी थोड़ी चीज़ें लिए हैं खाने पीने के लिए. होपफुली हमारी बस ना छूट जाए. हमारी बस बाहर खड़ी है. नहीं नहीं, खांसी हुई है. वेस टाइम होता है कि आप जब भी कोई भी ग्रोसरी या शॉपिंग के लिए एंटर करते हो तो वो लोग एक ये कलेक्ट करना पड़ता है जाते वक्त, मतलब एंटर करते वक्त, और जाते वक्त इसे डालना पड़ता है अंदर. आप अगर इसे घुमा दोगे तो आपको कुछ वो भरना पड़ता है, क्या बोलते हैं, फाइन. जहाँ अंदर टाटा. सो आप जब भी कुछ खरीदते हो तो उस पर जो नंबर होता है वो लोग वो डालते हैं. आई रियली डोंट नो इसके पीछे क्या है, बट मैं इस पर इसको स्टडी करूँगी, इसको ज़रूर स्टडी करके पता करूँगी. बट ये बहुत अच्छी प्यारी जगह है, तनी भी है तो अच्छी लग रही है जगह. हाँ, यू सी कितना ब्यूटीफुली बनाया है इन्होंने ये चीज़. यहाँ से एंट्रेंस था, हम अभी वहाँ से एग्जिट करके आए हैं. उसमें जो भी खाया था उसे मैं डस्टबिन में फेंकने जा रही हूँ. प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक में हम बॉटल्स डालेंगे. पेपर है, पेपर में जाएगा ये बॉक्स, ये प्लास्टिक में जाएगा थोड़ा, और आई थिंक ये प्रिंगल्स रिसाइकल में जाएगा. नहीं, मेटल है, ये मेटल ही है इसके अंदर. बट यस, सो मेटल डन. ये हमारी बस, फिर से बस में आ गए हैं हम लोग. एंड इट्स नॉट एज स्केरी एज आई वॉज थिंकिंग इट वुड बी, बिकॉज हमें तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होने वाला है, कैसे बस में जाएगी, बस में हमारे साथ कौन लोग होंगे. एंड मतलब, बट आई थिंक इट्स क्वाइट सेफ. इट्स नॉट वेरी सेफ अगर आप अपना चीज़ों का ध्यान रखोगे एंड यू नो वेयर यू हैव टू गो, कैसे लोग आपके आस पास हैं, कौन आप पे नज़र रख रहा है, अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखोगे तो आई थिंक इट्स क्वाइट सेफ. जितना सोच के जो मैं YouTube वीडियोस, मैंने मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि इट्स नॉट सेफ, आई थिंक इट्स गुड. अभी तक तो गुड है. अभी रियो पहुंच के पता चलेगा कि क्या माहौल है. रियो का भी नाम इतना ऐसा बता दिया कि इट्स क्वाइट अनसेफ. आई अग्री, देर आर प्लेसेस जहाँ पे संभल के रहना है, जहाँ पे नहीं जाना है, वो सब मैं आपको पहुँच के बताऊँगी कि कैसा है माहौल वहाँ पे. सो हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं. अभी हम उतरने वाले हैं यहाँ पे. यहाँ पे सारी बसेस रुकती हैं एंड हम यहाँ से ऊबर लेंगे. तो आई डोंट थिंक सो मैं ज़्यादा ब्लॉग करूँगी बिकॉज इट्स getting dark and I don't think so it will be safe for me to keep my phone out all the time. तो मैं भी phones bag में डालूँगी and आपको maybe cab में या तो hotel पहुँच के बताती हूँ view और information. Uber, but कहाँ से आएगी वो हमें figure out करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे से exit क्या है. Taxi मिली हमें, लेट्स सी क्या सीन है. वो यहाँ पे ऊबर इस साइड पर नहीं आती है, उस साइड पर आती है, तो हमें लोकल टैक्सी लेनी पड़ रही है. कैसा लग रहा है? थोड़ा अलग है ना, मतलब इतने हम कंट्रीज ट्रैवल किए हैं तो थोड़ा, और जितना लोगों ने अपने को बोला है
तो वो सोच के थोड़ा अपने को संभल के रहना पड़ता है, करेक्ट? संभलना पड़ता है। हाँ, अवेजमेंट के कैब वाला सब नंबर नोट करके चिट्ठी विट्ठी दिया हमें, तो इट्स लेजिट एंड इट्स नॉट सम स्कैम। अभी ये डाल दिया लगेज, दे दो। वाव, तोड़ दिया इसने, तोड़ दिया पूरा फोन, तोड़ दिया इसने। ये वो है ना गाइस, मेरा वो है ना, क्या बोलते उसको, चलो देखते हैं, पता चलेगा बाद में क्या क्या है। नहीं, हम कैब में बैठ चुके हैं और अभी इसका फोन स्क्रैच कार्ड टूट चुका है। फोन संभालने बोल रही, जितना ये फोन चोरों को ऐसा फेंक के दे रहा है, बोले ले लो मेरा फोन, अगर समझ गिर गया तो और कोई भाग के आके लेके चले आता, सारा सामान हाथ में घुस रही है, तो कैसे होएगा। इसके पास इसी का बैग था और एक ये डीजल का थैली थी, थैली नहीं है, मैंने एक ही बैग लिया। सो बेसिकली यहाँ पे काफी सारे फावेलाज है, दैट मीन्स शैंटी टाउन एंड स्लम एरिया, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माफिया कल्चर काइंड ऑफ थिंग होती है यहाँ पे, बट ये सब बोलने की बात है, अभी हमें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होता है। और सेफ चीज़ अच्छी है कि आप इधर भी जा रहे हो तो ऑन करके रखने का गूगल मैप आता है, क्या गूगल मैप अपने डेस्टिनेशन के साथ मैच करते हुए जाने का, तो ये हाँ तो बात करने के बाद बेसिकली ये बोल रहा है कि जब भी जाते हो जहाँ पे मेक श्योर आप गूगल मैप चालू रखो, सो दैट आपको ये जो भी है गाड़ी चलाने वाला कहीं गलत जगह ना ले जाए। तो हम फोन रख के वही देखने वाले हैं, बट आई थिंक दिस इज प्रिटी सेफ, हम बस ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ मतलब हाँ, गटर की बात आ रही है गाइस, क्योंकि बाजू में गटर है। बाय, होटल पहुँच के मिलती हूँ। फाइनली हम लोग सेफली पहुँच चुके हैं हमारे होटल में एंड अभी हम चेक इन करने वाले हैं और मैं मेरे रूम का आपको व्यू दिखाती हूँ और क्या है रूम, कैसा है रूम, सो ऊपर जाके दिखाऊंगी। अभी बस जल्दी से चेक इन हो जाए क्योंकि बाहर जाके देखना है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है एंड अंधेरा हो रहा है बिकॉज 5:33 है तो अंधेरा हो रहा है ऑलरेडी, बट आई वॉन्ट अ गुड रूम एंड मेक श्योर के रूम सही है, तो तुम देख कर आ जाओ। गाइस मैं रूम में आ चुकी हूँ, मैं आपको अपना रूम टूर देती हूँ, लेट्स गो। तो ये है रूम, पहले आप एंटर करोगे तो ये है बाथरूम, फाइनली बाथटब आफ्टर लॉन्ग वेकेशन, ये है मिनी बार एंड स्टाफ, बेड, मेरा फोन, इन्होंने क्यूट सा केक कुछ तो रखा है एंड नाउ जस्ट लुक एट दिस, ये दिन में तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको सुबह के बताती हूँ, अभी मैं और अवेस प्लान कर रहे हैं नीचे जाने का, तो मैं अवेस का वेट कर रही हूँ, वो आएगा तो हम नीचे जाएंगे एंड देखते हैं क्या हो रहा है नीचे, लेट्स गो। मेरी हालत देखो गाइस, अवेस भी आ गया है और मैंने ये क्यूट सी इयर रिंग पहनी जो मैंने साओ पॉलो से ली थी, हैंडमेड इयर रिंग्स है, वेरी लोकल। देखते हैं वेदर कैसा है क्या है, हम लोग तो वही हालत में, लेट्स गो। ये भी कोई कोई जीरो बंद, आई यू एक्साइटेड? मैं तो बेस्ट चीज़ ये है कि हम इतनी रिस्क उठा के बस राइड लेकर पहुंच गए कैसे कैसे करके, बट इट वॉज अ वेरी गुड राइड, ट्रस्ट मी। सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी सब बहुत सॉर्टेड है, मतलब बहुत सॉर्टेड है, डरना मत। मेरी हुडी तो मसला ही है, इसे किड सेक्शन से लिया था, लेडीज, हाँ लेडीज सेक्शन से, मिकी माउस बना है इसमें पीछे। एक्चुअली आपको रियल मजा नहीं दिखेगा गाइस कि इधर क्या है, जो आपको सुबह में दिखेगा एंड जो दिखेगा ना, अभी तो मोह लग रहा है, मरीन ड्राइव ड्राइव ही है ना, सेम मरीन ड्राइव जैसा, कार्टर रोड, जू बीच, कार्टर रोड, कार्टर रोड जैसा बहुत आ रहा है भाई, वहाँ पे मार्केट है गाइस, ये ही। पहले हम थोड़ा कुछ खा लेते हैं एंड उसके बाद फिर शॉपिंग करेंगे।
स्ट्रीट है, गुड वाइब। सारा स्ट्रीट आर्ट बनाया है इन्होंने, मार्से वाली वाइब आ रही है। ये सीटी बजाने का रहता है, कोकोनट से उन्होंने सीटी बनाया है, वो हमें बेचने का ट्राई कर रहे हैं, बट हमारे पास पैसे नहीं, उन्हें कैसे पता है। बैडमिंटन के लिए नेट्स एंड ऑल बनाया है, आप अपने फैमिली के साथ आके बैडमिंटन खेल सकते हो, मतलब कूल वेकेशन प्लेस है ये। मैंने 3x किया है, वाओ। अभी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो मोस्टली सी फूड या वेज खाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे आई डोंट थिंक सो हलाल मिलेगा। सो मैं बिना फ़ोन अभी ज़्यादा नहीं वो कर सकती हूँ, इससे पहले कि मेरा फ़ोन और खींच के ले जाए। तो एक बहुत कूल वाइब वाली जगह पर आए हैं, बोला पीछे फुट वॉली खेल रहा है, तो अभी इसको देख रहा है, और यहाँ पे वैसे गाने वाने बजा रहे हैं, फुल वाइब हो रहा है। मतलब कुछ मंगाते हैं सी फूड में, इनके पास बहुत सारा सी फूड है, हमने सी फूड मंगाया है और थोड़ा नाचोस। लेट्स गो, हाउ इज इट, गरम अच्छा है? ये लो टबास्को, लो टबास्को, माय फेवरेट। बैग्स इतने प्यारे हैं ना, मुझे सारे खरीदने का मन हो रहा है, बट ये हम पता है टूरिस्ट है तो बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। एक बैग है 2500 रुपये का, या तो ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहते 2500, बट इतना भी ऐसा नहीं है कि हमें वो यूज़ आएगा। वाह, मेरा फोन गिर गया, मैंने पकड़ लिया। कितने क्यूट क्यूट बेबीज फुटबॉल खेल रहे, बच्चे लोग देखो कितने मस्त खेल रहे। वाह, ये तो मेरे को देखना है, चलो आ जाते हैं। क्यूट क्यूट बच्चे सब खेल रहे फुटबॉल, एकदम दिल लगा के। और यहाँ पे खेलने से मालूम, रेत में खेलने से गेम बहुत अच्छा, ग्रिप और स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भागना इजी नहीं होता। और डेफिनेटली रेती में कितना कंट्रोल वगैरह भी मस्त हो जाता है, बॉल का मतलब सब कुछ बहुत सारी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत अलग लेवल से वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, माना जाता है ना। आई थिंक दे आर ऑब्सेस्ड विद वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, फुटबॉल ही खेलते इधर पक्का। देखना देख, सभी फुटबॉल ही खेलते थे। ओ हाँ, वो लड़की कितना ऊंचा मारी है, नेशनल स्पोर्ट है ना अपना फुटबॉल ब्राजील का। हाँ, तो हर चीज फुट से खेलते हैं, मतलब यू मीन। चलो देखते आगे चल के। मैंने खाली वो कुछ टेनिस जैसा देखा लोगों को खेलते हुए, पर अदरवाइज फुटबॉल हम लोग का नेशनल स्पोर्ट है, तो पूरा टाइम फुटबॉल, हर चीज में फुटबॉल। अवेस इज सुपर इम्प्रेस्ड विद द किड्स, बोल रहा है नेक्स्ट ये सर में लोग को लेकर सब वेदांत लो आउट। वो गोल ये सर में आप आ सकते हो, आप मुंबई आ सकते हो। मार्केट में आए हैं, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे चीजें हैं। सो ये ब्राजीलियन इंस्ट्रूमेंट्स है जो कोकोनट और बाकी चीजों से बनती है, और यही कपड़े एंड ऑल है यहाँ पे। मन तो कर रहा है कुछ ऐसा लेने का, जबकि है मेरे पास सब कुछ। यहाँ पे क्राइस्ट द रिडीमर जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसके, ये तो बिकिनीज है, वाओ, बिकिनी शूट। अवेज बिगिनी शूट डांस, अरे रुक, बिगिनी शूट सेम यही है वो प्रिंट, और मैं ब्राजील की जर्सी। यहाँ पे ना ज्वेलरी है ना, और बहुत अच्छा अच्छा है, और ऐसा हाथ से बनी हुई चीजें हैं, बैग्स है, ये जूट बैग्स है, ये रियो वाले टी शर्ट्स है। मुझे लेना है ये वाली, मैं भूल गई हूँ, अवेस की एक जर्सी मैंने ली थी ब्राज़ील की, पर मैंने घर पे छोड़ के आ गई इंडिया में।